बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जे के एस एस बी का थर्ड वीडियो है। कल आपको बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने कल की वीडियो में रिस्पॉन्स दिखाया, ठीक है। तो इसके लिए हमने पार्ट थर्ड लाए हैं आज, जिस पे हम जो हैं आज क्वेश्चन देखेंगे, जो हमें यहाँ पे सपोर्ट करना है। जो भी आर्ड फिगर होगा इनमें से वो हमको देखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जे के एस एस बी के रिलेटेड, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, चाहे आपने क्लास फोर्थ या पंचायत के लिए अप्लाई किया होगा। तो चलिए आज की वीडियो जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इनका आंसर मालूम है तो यहाँ पे लाइव चार्ट में आप जो लाइव चार्ट में ही अपना आंसर जो है बता सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप जो है नीचे बता दीजिएगा कि आपके कितने जो हैं करेक्ट आंसर आए थे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी हम आगे आपके लिए वीडियो लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जे के एस एस बी की जो हमें पहले ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड किए हैं उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो है आर्ड वन जो होगा वो फिगर आउट करना है, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, लाइव चार्ट में आप बता दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए जो हैं यहाँ पे आंसर फिर बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जिनको पता होगा वो बता दीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताएंगे, ठीक है। वैसे तो ये सभी सेम लग रहे हैं, लेकिन आप जो ऑप्शन सी देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते कि जो ये दो हैं, जो ये दो स्ट्रेट लाइन से यहाँ से, ठीक है, तो और जो हेड हैं या अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, जबकि जो जितने भी बाकी फिगर हैं उनमें अपोजिट हैं, ये हेड हैं और यहाँ से दो जो हैं स्ट्रेट लाइन से। सिमिलरली ये हेड है, यहाँ से दो स्ट्रेट लाइन से। सिमिलरली ये हेड है, यहाँ से दो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जो सी पार्ट हैं उनमें जो है वो परपेंडिकुलर हैं ईच अदर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो आर्ड वन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगर आपको पता है आंसर तो जल्दी से आंसर इसका बता दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम बता दीजिए, ऑप्शन सी इसको करेक्ट आंसर। आप कैसे देखिए, जितने भी फिगर हैं उनमें जो भी स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, ये ऐसी फिगर हैं, ठीक है, ऐसी फिगर हैं। इसमें दो दो स्ट्रेट लाइन हर किसी में है, तो आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक कोने में है और दूसरा किसी भी इन दो जगह पे, ठीक है। लेकिन जो फिगर बी है उनमें जो भी दो लाइन है, सॉरी जो फिगर सी है उनमें जो दोनों जो लाइन है वो एक ही साइड पे हैं और वो किसी भी कॉर्नर पर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉर्नर पर हैं, इसमें ये कॉर्नर पर हैं, इसमें ये कॉर्नर पर हैं, लेकिन इसमें कोई भी लाइन जो है कॉर्नर पर नहीं है, बल्कि वो वहाँ मीट करती हैं जहाँ पे तीन लाइन्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं उनमें से एक स्ट्रेट लाइन है वो कॉर्नर पे हैं, हर किसी कॉर्नर पे, लेकिन जो पार्ट सी है उसमें आप देखिए दोनों स्ट्रेट लाइन कहाँ पे हैं, दोनों जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, वो कॉर्नर पर, दोनों जो स्ट्रेट लाइन वो किसी कॉर्नर पर नहीं है, कॉर्नर पर है लेकिन वहाँ पर है जहाँ पर ऑलरेडी तीन लाइन्स मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इसका आप बता दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कैसे हम बता देते हैं। जितने भी फिगर हैं उन वो चार पार्ट में डिवाइड हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन ये जो फिगर हैं ये फोर पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, इसलिए जो सी पार्ट है वो आर्ड वन है, दैट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं, इसका आप आंसर बता दीजिएगा। आंसर पता है तो लाइव चैट में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आप जल्दी से बता दीजिए।
क्वेश्चन नंबर फोर का आप आंसर जल्दी से बता दीजिए। लाइव चार्ट में आप अगर आपको पता है आंसर तो लाइव चार्ट में ज़रूर बता दीजिएगा। और एक चीज़, इस जो पीडीएफ इस लेक्चर की बनने वाली है वो हम जो है अपनी ग्रुप पे सॉरी फेसबुक पेज पे जाके पोस्ट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी फेसबुक पेज की लिंक है, वहाँ पर जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। होप कि कुछ में आप में से कुछ ने किया होगा। तो ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर। कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो फिगर बनी है ना, ठीक है, ये जो फिगर बनी है, ये जो फिगर बनी है और ये जो फिगर बनी है, आप इनमें देखिए कि एक साइड ओपन है, यहाँ से एक साइड ओपन है और यहाँ से एक साइड ओपन, लेकिन ये जो फिगर है कम्प्लीटली इस फिगर की वजह से बंद है, कोई भी साइड ओपन नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भैया ना, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अगर आपको आंसर बताए तो लाइव चैट में आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप बता दीजिए। जितने भी आड़े वन को फाइंड आउट करने सब जो हैं आपकी प्रैक्टिस पे बेस हैं, और आपको जो है पूरी तरह से क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में क्या है, एक कुछ इस तरह से फिगर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए जितने भी ये जो सेंटर लाइन दी है, ये आप देखिए सब इस तरीके से हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक देखिए ये जो फिगर है, यहाँ से आप अगर इसको रोटेट करेंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनने वाला है ये। अब इस फिगर को रोटेट करके ये आया, मतलब ये दो ऑप्शन ठीक जो है ये आड़ नहीं है। अब इस फिगर को फिर से रोटेट कीजिएगा तो किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये फिगर जो है ये किसी से मैच नहीं करता। अब फिर से इसको जो है हम रोटेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरीके आएगा। ठीक है, तो रोटेट करके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मतलब ये फिगर ऑलरेडी है, इसको रोटेट करके हमें ये फिगर मिला, मतलब कौन सा, ये वाला। उसके बाद रोटेट किया इस तरह से मिला, ये किसी से मैच नहीं हुआ। फिर से रोटेट किया, ये वाला आया, मतलब किसी मैच हुआ ये। तो जो आड़ वन है वो सी पार्ट है। ठीक है, वो क्या आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इस फिगर को रोटेट करके एक दो और तीन फिगर और बने, और ये सिर्फ इस फिगर से मैच नहीं होता, मतलब ये फिगर आड़ वन है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन, बहुत इजी है ये, आपको आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन। सिंपल सा है, बी बी करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों तरफ से इसको एरो है, यहाँ पे एक में स्क्वायर और दूसरे में एरो, एरो स्क्वायर, एरो स्क्वायर, और इसमें दोनों तरफ से एरो, तो बी जो है आड़ वन है। क्वेश्चन नंबर सेवन, ये भी इजी है। ठीक है, हर किसी फिगर में इनसाइड दो फिगर हैं, एक दो, एक दो, इसमें भी दो फिगर हैं इनसाइड, लेकिन सिर्फ इसमें एक फिगर है, तो सी इज़ द हार्ड वन। ठीक है, देखिए हर किसी फिगर में दो दो फिगर इनसाइड हैं, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, सिर्फ इसमें एक ही फिगर इनसाइड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सी हार्ड वन है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में, आप जो है इसका आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बता देखिए, इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4 2 4 4 और 2 जो है ये इवन नंबर है, और 5 जो आड़ है, ये इसमें इवन नंबर है और इसमें आड़ नंबर है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं नहीं बताने वाला आपको, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है या लाइव चैट में आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये,
देखिए इसका आंसर जो है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए लास्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इजी है, गौर से देखिएगा आप। देखिए इसमें एक सर्कल, सर्कल और स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, सिर्फ इस क्वेश्चन में जो है सर्कल दो है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको जो है आंसर बताना है कमेंट में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। SSB की ऑलरेडी 2 लेक्चर हुए हैं, उनकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो की PDF, ये क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे हमारे फेसबुक पेज पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल आएगी, और मैथ के रिलेटेड हम टॉपिक लाने वाले हैं परसेंटेज जो है बहुत जल्द, जो आपको SSB में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल फिर मिलेंगे।